स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने आपको एक छोटे बेबी की जो ड्रेस है वो अखबार पे कटिंग करके बताई थी, तो आज हम उसी ड्रेस को कपड़े पे कटिंग करेंगे और उसकी पूरी जो स्टिचिंग है वो करके दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आपको अच्छी तरह से सिलाई सीखनी है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इसकी लेंथ जो 12 इंच थी और इसकी विड्थ जो थी 10 इंच थी, ठीक है। और एक एक इंच हमने दोनों साइड में मार्जिन के लिए छोड़ा हुआ था। तो ये हमारा दो पीस का हमने कपड़ा ले रखा है और इसको ऐसे फोल्ड कर लो, ठीक है। तो दोस्तों देखो, जैसे यहाँ पे एक इंच का मार्जिन छोड़ दिया और इसको सीधा कर लो ऐसे करके। उसके बाद 12 इंच इसकी लेंथ हो गई और फिर आधा इंच जो है ऊपर ये हमने सिलने के लिए छोड़ दिया। इधर से था 3.5 इंच शोल्डर, इसका शोल्डर रखना है इधर से कंधा, और ये था इधर से 2.5 इंच, ठीक है। इस पर ऐसे करके हल्की सी गुलाई दे दो, ठीक है। बस अब इसे कट कर दो। ये इसकी कटिंग हो गई है। अब आपको हम ये सिल के दिखाते हैं। पहले ये ऊपर का ऊपर वाला पीस ये लेना और इसको ऐसे करके आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है और इस पे सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल सिंपल सिलना बता रही हूँ। अभी आप चाहो तो मैचिंग के ऊपर कपड़ा भी लगा सकते हो, पर पहले जो बिगनर हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले सिंपल ही सिलो। ऐसे ही दूसरी तरफ फोल्ड कर लेंगे, दूसरी तरफ भी ऐसे ऐसे भी सिलाई लगा देंगे। ऐसे कीजिए, ठीक है। जैसे कि 10 इंच थी तो 5-5 इंच का जो ऐसे निशान लगा के, ठीक है, इसे सीधा कर दो, इस पर सिलाई लगाओ और दूसरी तरफ भी इधर ही ऐसे सेम ही ऐसे करके निशान लगा लो, तो वो चौक वाला निशान इधर भी आ जाएगा। ये आ गया, इसको डार्क कर लो थोड़ा। चलो निशान के ऊपर ऊपर सिलाई लगा लो। हाँ, तो दोस्तों अब नीचे का जो 1-1 इंच का हमने नीचे सिलने के लिए छोड़ा है ऐसे फोल्ड कर लो और ऐसे करके नीचे का भी सिल लो। आप चाहो तो अलग का पिंक कलर का या किसी भी कलर का और कपड़ा लगा के मैचिंग सा जो भी है वो भी नीचे लगा सकते हो, उसकी अलग से पट्टी लगा सकते हो। इधर के नीचे पूरी सिलाई मार दो। बन गया ये, देखो नीचे का ऐसे करके सिला गया ये। अब ऊपर का सिलते हैं दोस्तों। जो अब ये हमने जो ऊपर सिलने के लिए डोरी लगानी है उसके लिए ऐसे करके ना ऐसे डोरी सीधी सीधी काट लो, मतलब कि कम से कम 20 इंच की डोरी जो है ऐसे 20 इंच की डोरी ऐसे काट लो, ठीक है। और इसके सेंटर में ऐसे निशान लगा दो, ऐसे कट करके थोड़ा सा पता चल जाएगा कि सेंटर है ये। और इस पर ये देखो, ये दोनों साइड का है, ऐसे करो इसे कट अपना, इस फिटिंग वाले निशान के ऊपर कट ऐसे रख लो, ठीक है। तो एक ही बार में जो पूरा ये सिला जाएगा आपका। ऐसे चाहिए और पट्टी भी ऊपर की उल्टी होनी चाहिए। बेबी ड्रेस जो है वो बनके तैयार है। देखो ये देखने में ऐसे लग रही है फाइनली जो है। तो दोस्तों ये पूरी तरह बनके तैयार हो चुकी है बेबी ड्रेस।